दोस्तों आज मैं लेक्चर थैलासीमिया देने चला हूँ। थैलासीमिया मींस ईमिया मींस बेसिकली ब्लड। तो थैलासीमिया जेनेटिक डिजीज़ है, खासकर बच्चों में पाया जाता है और ये माइल्ड मॉडरेट सीवियर तीनों हो सकते हैं और इसका प्रोग्नोसिस सीवियर में तो बहुत ही बैड है। 18 साल तक बच्चे की डेथ हो जाती है सीवियर केस में। इसकी दो टाइप्स हैं, अल्फा एंड बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया वो होता है जिसमें जो हीमोग्लोबिन की चेंज हैं अल्फा वाली, वो खराबी या डिफेक्टिव सिंथेसिस HB का शो करती हैं, और बीटा में बीटा चेंज शो करती हैं। बेसिकली हीमोग्लोबिन का कार्य या फंक्शन क्या है, इट ऑक्यूपाइज 1/3 ऑफ RBC, रेड ब्लड सेल जो हमारे ब्लड में होते हैं। ब्लड में क्या कुछ होता है, RBC होते हैं, WBC होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं और प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। दोबारा रिपीट करता हूँ, ब्लड में मेन जो है स्ट्रॉ कलर ब्राउन कलर की प्लाज्मा होती है पानी, जिसमें लाल रंग के शिप्स हैं RBC और वाइट रंग के 5 प्रकार के WBC हैं, प्लेटलेट्स हैं छोटी छोटी रेड कलर की, क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं और प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। अब जो RBC हैं जिनको लाल रक्ताणु बोलते हैं, उसका 1/3 ऑक्योपाई करता है हीमोग्लोबिन। हिम मीन्स कलर। कलर जो होगा लाल रंग का होगा और उसमें आयरन होगा, और ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन। तो प्रोटीन के साथ हिम जुड़ी हुई है। जब भी RBC 40 से 120 दिन में टूटता है तो वो बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है और उससे आयरन निकाल लिया जाता है। तो बिलीरुबिन इज़ ए वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ RBC आफ्टर इट्स लाइफ साइकिल व्हेन आयरन इज टेकन बैक बाय स्प्लीन, बोन मैरो एक्सेट्रा, एंड बिलीरुबिन वेस्ट प्रोडक्ट इज एक्सक्रीटेड इनटू स्टूल और यूरिन। बिलीरुबिन तीन किस्म का होता है, फ्री बिलीरुबिन, कंजुगेटेड बिलीरुबिन और अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन। जोन से भी बच्चे में जॉन्डिस होता है, उसका सीरम बिलीरुबिन एक से ज़्यादा हो जाता है। एक से ज़्यादा होना से उसको पीलिया या जॉन्डिस हो जाता है, जिससे उसकी आँखें, कंजक्टाइवा और गम्स पीले होने शुरू हो जाते हैं, भूख कम लगती है, कब्ज और कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। जॉन्डिस को कभी भी अनीमिया के साथ कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहिए। जॉन्डिस का मतलब है कि आप में सीरम बिलीरुबिन बढ़ा, और ख़ासकर फ्री बिलीरुबिन नहीं बढ़ना चाहिए। अगर फ्री बिलीरुबिन बच्चों में बढ़ता है तो हम उसको या तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कर देंगे या उस बच्चों को फोटोथेरेपी के नीचे स्पेशल लाइट्स के अंडर एक झूले में रखेंगे कपड़े उतार के, ताकि उसकी जो फ्री बिलीरुबिन है वो उड़ जाए। 5-10 दिन में वो उड़ जाता है और उस बच्चे के ब्लड ब्रेन बैरियर में घुस नहीं पाता। अगर ब्लड ब्रेन बैरियर में घुसेगा तो हेपेटिक कोमा या दिमाग में चला जाएगा फ्री बिलीरुबिन, और कन्वल्शंस या दौरे पड़ेंगे। वापस आते हैं अपने टॉपिक के। 7.2 माइक्रोन RBC का साइज़ है, डायामीटर है, व्यास है, और उसमें 1/3 पोर्शन जो है लगभग 2.4 माइक्रोन HV ने घेरा होता है। HV का काम है जस्ट लाइक ऑटो। HV एक तरह का ऑटो रिक्शा है जो उठाता है सवारी को लंग्स, फेफड़े से लेके अंदर वाले टिश्यू या सेल से। वो ऑक्सीजन को ऐसे उसके साथ रिवर्सिबल बॉन्डिंग करता है, मैरिज करता है, वो उठाता है उसको, उसके साथ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से चिपक जाती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, और अंदर वाले टिश्यू या सेल्स पे जाके वो सवारी HV रूपी ऑटो से उतर जाती है। सवारी कौन सी है, ऑक्सीजन की। ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर दोबारा टूटता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, सेल उसको यूज़ करते हैं, सेल ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये जो सवारी या ऑटो रिक्शा वापस आती है, कार्बन डाइऑक्साइड को सवारी बना लेती है और ऑटो यानी कि HV फिर चल पड़ता है। जब वो लंग्स में पहुंचता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एक सवारी है जो उतर जाती है, और वो सवारी फेफड़ों से होती हुई नाक से हमारे कार्बन डाइऑक्साइड पार हो जाती है। इसका मतलब जब HV ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन रिवर्सिबल बनेगा, और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ेगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। इसी को हम इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन थोड़ी सी डिफरेंट है।
जो बाहरी रेस्पिरेशन है, जिसके द्वारा हम सांस अंदर खींचते हैं, ऑक्सीजन आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, उसको एक्सटर्नल या बाहरी रेस्पिरेशन कहते हैं। उसमें कोई ऊर्जा नहीं पैदा होती, मगर इंटरनल रेस्पिरेशन, जैसे ही ऑक्सीजन एचपी के साथ जुड़ के अंदर गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आई, उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। इंटरनल रेस्पिरेशन जो है बेसिकली एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें फेफड़े, ट्रेकिया, ये मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। अब जो टॉपिक हम थैलासीमिया पढ़ रहे थे, तो बच्चों में जेनेटिक ट्रेट्स रिसेसिव की वजह से ये डिजीज़ हो जाती है, और पेरेंट्स अगर मैरिज से पहले ही ये जीनोम अपना चेक कर लेते, जेनेटिक मैपिंग क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज DMC में होती है, उसके लिए 5 से 10 हज़ार लगता है, और मैरिज से पहले ही बहुत सारी जीवांद्रु और जेनेटिक जीन्स के द्वारा माँ बाप से होती हुई बीमारियाँ जो बच्चों को लगती हैं उससे पता लग जाता है। तो हमें अपनी होरोस्कोप कुंडली नहीं बनानी चाहिए, 5100 दे के हम कुंडली बनाते हैं, तो उस साइंटिफिक अप्रोच करते हुए हमें अपनी जेनेटिक होरोस्कोप बनानी चाहिए, जिससे कल को आने वाला बच्चा जो है वो दुखी ना हो, क्योंकि तो दुनिया में सबसे ज़्यादा बंदा उस टाइम दुखी होता है जब उसकी औलाद को कोई बीमारी होती है, वो बेचारा बेसहारा हो जाता है। थैलासीमिया का जो पेशेंट होता है, चिल्ड्रन, उसको 3-3 महीने बाद ब्लड चाहिए, खून चाहिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए, नहीं तो उसका वो हालत हो जाती है जैसे मोबाइल बगैर चार्जर के, जब आखिरी पॉइंट चार्जिंग की रह जाती है उसमें, तो कैसे मोबाइल झटके मार के लाइट्स उसकी ऑफ होती हैं और एकदम स्विच ऑफ होता है। बिल्कुल ऐसा ही वो बच्चे में होता है जिसकी बैटरी रिचार्ज होनी से रह गई हो, तो उसको फिर 3 महीने बाद ये ब्लड चाहिए, और उसको उसके शरीर में आयरन या लोहा ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है, जिसकी जिसको बाहर निकालने के लिए हमें प्रॉपर इंजेक्शन देने पड़ते हैं। 3 महीने का खर्चा लगभग 2500 से लेकर 10 हज़ार आ जाता है एक छोटे से अस्पताल में, खासकर जैसे कि कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, अगर आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल को करता है तो 30-40 हज़ार आ जाता है। तो आप ये मानिए कि आदमी का कुल मिला के एक साल में 10 हज़ार से लेकर 1-1.5 लाख खर्च हो जाता है। फिर भी बच्चा बार बार इन्फेक्शन होते हैं उसको, बार बार इन्फेक्शन इस करके होते हैं क्योंकि जिसका भी ब्लड लेता है अगर इन्फेक्टिव होगा तो उसको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। नेचुरली आप बाहर से जितना ज़्यादा ब्लड लोगे और इंट्रावीनस चीज़ें होंगी आपकी, तो इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ते हैं, उससे आपकी स्प्लीनोमेगैली हो जाती है, स्प्लीन बढ़ जाती है, तिल्ली बढ़ जाती है। स्प्लीन क्या है? जंक यार्ड है एक तरह का, जो एचपी को तोड़ता है। स्प्लीन स्टमक के ऊपर लेफ्ट साइड पे होती है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में होती है स्प्लीन, जिसको रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम का भी भाग कहते हैं। अब आता है कि जो बच्चा अफोर्ड कर सकते हैं जिसके पेरेंट्स, तो हम उन्हें बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने के लिए कहते हैं कि वो बच्चे की जो बोन मैरो है उसमें हम एक्टिव सेल पेरेंट्स से ले लेते हैं, और ताकि बच्चे की जो बोन मैरो है जहाँ RBC बनते हैं वो प्रोलीफ्रेट हों, मेच्योर हों, इमेच्योर ना हों, और उनमें HBB जो है डिफेक्टिव सिंथेसिस ना हो। इसके लिए 25 से 30 लाख लग जाता है, जो आम आदमी के पास नहीं होता, और उसका सक्सेस रेट 10% से ऊपर नहीं होता। यानी कि अगर हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में करें तो हम ये नहीं कह सकते कि 100 बच्चों में से सिर्फ 3 बच्चे ही ऐसे होंगे जिन पे सक्सेसफुल होता होगा, बाकियों में फेलियर रेट है, बाकियों में बॉडी रिजेक्ट कर देती है जब भी कोई फॉरेन प्रोटीन या फॉरेन पार्ट लगाया जाता है, बाहरी पार्ट जो आदमी का या बच्चे का अपना नहीं है, तो बॉडी एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है उसके अगेंस्ट। उसको नहीं मालूम होता कि ये मेरे माँ बाप की या मेरे पिताजी और माता जी की देन है, मगर बॉडी तो ने तो साइंस के मुताबिक रिएक्ट करना है, वो उसको एंटीजन समझती है और एंटीबॉडी हो बनाना शुरू कर जाती है, जिससे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाता है जो जानलेवा भी हो सकता है। तो थैलासीमिया वार्ड में किसी भी हॉस्पिटल में आप बड़े अस्पताल में जाओगे 300 बेडेड, तो थैलासीमिया वार्ड होगी जहाँ पे ये बच्चे एडमिट होते हैं और अपना खून चढ़वाते हैं। तो हर एक
विद्यार्थी से यही अनुरोध है कि 18 साल के हो और आपका वेट ऑप्टिमम है, चाहे लड़का चाहे लड़की, HB आपका 10 ग्राम परसेंटेज है, तो ब्लड डोनेट जरूर कीजिए। क्योंकि जून जुलाई में एक्सीडेंट बहुत होते हैं और जितने ब्लड बैंक हैं सब ड्रेन हो जाते हैं जून जुलाई में पूरे इंडिया के। तो आप कोशिश कीजिए कि मई जून जुलाई के महीने बहुत ज़्यादा ब्लड डोनेट करने के लिए लोगों को प्रेरित कीजिए। तो सो जिसके रहते हुए कहीं भी डेफिशिएंसी ना हो, और कोई भी आदमी या बच्चा अगर उसकी एक्सीडेंट में मौत होने चली है तो ये लाइफ सेविंग हो सकता है। आप लगभग एक साल में 4 बार ब्लड डोनेट कर सकते हो। और ये कहना माँ बाप का कि उससे कमज़ोरी होती है, नहीं, बिल्कुल 24 से 72 घंटे में वो ब्लड कंपनसेट हो जाता है। अगर आप ब्लड डोनेट करते हो तो आप में स्फूर्ति आती है, एनर्जेटिक हो जाते हो, वर्सेटाइल और डायनेमिक हो जाते हो, आपके किकील, मुहासे, पिंपल्स, स्किन डिजीज खत्म हो जाती हैं, एक रिजुमिनेशन पैदा होती है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा बाबा दीप सिंह इंस्टीट्यूट चैनल, और मेरा फ़ोन नंबर है 9872468540। धन्यवाद। ये थैलासीमिया का चैप्टर DMLT एक्सरे नैनी BSC MLT BSC एक्सरे BSC OT और जितने भी डी फार्मेसी और बी फार्मेसी स्टूडेंट हैं उनको समर्पित है, अलॉन्ग विद GNM एंड BSC नर्सिंग। धन्यवाद।